हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्यू आर्नोल्ड की फेमस पोयम सोहराब और रुस्तम की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। ये जो पोयम सोहराब और रुस्तम, मैथ्यू आर्नोल्ड की एक बहुत ही लॉन्ग नरेटिव पोयम है जो उन्होंने 1853 में लिखी थी। ये पोयम फिरदौसी के लिखे हुए महान एपिक शाहनामा का एक छोटा सा हिस्सा है। इस पोयम में मैथ्यू आर्नोल्ड ने ओरिएंटल थीम्स को हैंडल करने की कोशिश की है। ओरिएंटल थीम्स मतलब जो ओरिएंट से रिलेटेड है, जो कि ईरान, इराक, पर्शिया इस साइड से रिलेटेड है, उन थीम्स को हैंडल करने की उन्होंने कोशिश की है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि रुस्तम एक बहुत ही मशहूर योद्धा है और वो पर्शियन आर्मी में, फारस की, ईरान की आर्मी में बहुत बड़ी पोस्ट पर है। उसकी शादी तैमिनान से होती है। दोनों का एक बच्चा पैदा होता है। बच्चे के पैदा होने से पहले ही रुस्तम अपनी पत्नी को छोड़ देता है और ईरान के राजा की सेवा में चला जाता है। जाने से पहले वो अपनी पत्नी को ये ऑर्डर देता है कि अगर इसका बेटा पैदा हो तो उसके बेटे के हाथ पर मेरे हमारी खानदानी मोहर लगा देना, और अगर बेटी पैदा हो तो मुझे बता देना। तैमिनान ने वैसा ही किया जैसा उसके पति रुस्तम ने कहा था। उसने बेटे के पैदा होने पर उसके एक मोहर लगा दी, लेकिन उसने रुस्तम को ये खबर भेजी कि उसके बेटी पैदा हुई है। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो ये डरती थी कि अगर रुस्तम को ये पता चला कि उसके बेटा पैदा हुआ है तो वो उसे भी अपने साथ आर्मी में सैनिक बनाने के लिए ले जाएगा। जब रुस्तम और तैमिनान का बेटा सोहराब बड़ा हुआ तो बड़ा होकर सोहराब ततार के राजा अफ्रसियाब की सेना में भर्ती हुआ। उस समय ततार और पर्शियंस के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो सोहराब ने रुस्तम को सिंगल फाइटिंग का, वन टू वन फाइटिंग का चैलेंज दिया। दोनों के अंदर जब लड़ाई हुई तो सोहराब को रुस्तम ने हरा दिया। अब हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि बाप कौन है, बेटा कौन है, तो इसलिए ऐसा याद रखिए कि S for सोहराब और S for son, यानी कि जो बेटा है वो सोहराब है। तो रुस्तम ने सोहराब को हरा दिया, लेकिन मरने से पहले उसने ये देखा कि उसकी बाजू पर एक जो उनकी खानदानी ग्रिफिन की मोहर लगी हुई थी, जैसे कि मैंने ये पिक्चर में दिखाया है, ये टैटू बना हुआ है ग्रिफिन का, ऐसी ही सोहराब की बाजू पर मोहर लगी थी। पोएम के एंड में हम एक बड़ा ही पैथेटिक दुखद सीन देखते हैं जब सोहराब रुस्तम के द्वारा मारा जाता है और बाप अपने बेटे के पास में बैठा होता है। इसके बाद दोनों आर्मियां चली जाती हैं और सब तरफ शांति हो जाती है। इसके अंदर लास्ट में मैथ्यू आर्नोल्ड ने कुछ नेचर सीन डाले हैं जिसमें एक ऑक्सस नदी है। ऑक्सस नदी इन लड़ाई झगड़ों की टेंशन के बिना बहती रहती है और वो अराल सी के अंदर जाकर मिल जाती है। उसे इस ह्यूमन ट्रेजेडी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है और इसकी जो राइम स्कीम है वो ब्लैंक वर्स है और ये टेनिसन के मोट द आर्थर के साथ मिलती जुलती राइम स्कीम है। सो आई होप फ्रेंड्स, ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।